Hey, what's up guys? Welcome back to new video. कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारी चैनल में किंगडम ऑफ फैक्ट्स में. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जिसकी डेथ हो चुकी है और कोई हमें सबूत ही नहीं मिला, यानी कि मिस्टीरियस डेथ की. नंबर वन, लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था. जैसे जैसे वह बढ़े उसकी देश के आंदोलन में रुचि बढ़ने लगी. सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और देश के आंदोलन में लग गए. फिर 1966 में जब भारत से वह पाकिस्तान गए संबंध सुधारने, यानी कि हमारा रिश्ता पाकिस्तान से सुधारने, तो वह कस्कन की होटल में रुके थे. पर दूसरे दिन सुबह उस होटल में उसकी लाश पाई गई और उतने बड़े नेता होने के बाद जब भी उसकी बॉडी वापस इधर इंडिया में आई तो पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं गई. तो इस समय पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री की भी एक मिस्टीरियस डेथ ही है. सुभाष चंद्र बोस. पूरी दुनिया में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस की भी डेथ एक रहस्य है. सुभाष चंद्र बोस की डेथ 18 अगस्त 1945 को हुई थी. लोगों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की डेथ ताइवान के एक विमान क्रैश में हुई थी, लेकिन ताइवान सरकार का कहना है कि इधर कोई विमान क्रैश हुआ ही नहीं था. तो इससे सवाल उठता है कि अगर ताइवान में विमान क्रैश नहीं हुआ था तो आखिरकार कहाँ हुआ होगा. तो इससे हमें पता चलता है कि आज तक सुभाष चंद्र बोस की डेथ एक मिस्टीरियस ही है. नंबर थ्री, श्याम प्रसाद मुखर्जी. जॉनसन, यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी थी. 1953 में कश्मीर परमिट के विरोध में श्याम प्रसाद मुखर्जी गए थे. उन दिनों कश्मीर में जाने के लिए हमें परमिट चाहिए था और उनका मानना था कि भारत का ही पार्ट कश्मीर है तो उसमें परमिट की कोई ज़रूरत नहीं. वैसे वो सही थे, पर उन्होंने कश्मीर जाने का ठान लिया था. वो कश्मीर भी गए और उन्होंने कानून तोड़ा, इसलिए उनको जेल हो गई. पर दूसरे तीसरे दिन उनकी जेल में मौत हो गई. तो आज तक ये तो मिस्टीरियस ही है कि ऐसे आखिर क्या हुआ उस दिन के उसकी मौत हो गई. फोर, एडलॉफ फ्रेडरिक. एडलॉफ फ्रेडरिक स्वीडन देश के राजा थे और उनकी मौत 18वीं सदी में हो गई थी, जो एक रहस्यमयी मौत है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट की माने तो राजा की मौत ज़्यादा खाने की आदत की वजह से हो गई है. और तभी वैद्य हुआ करते थे राजा की सेफ्टी के लिए. वैद्य वो होते हैं जो देसी उपचार करते हैं, लेकिन उस रात राजा के कमरे में कोई वैद्य मौजूद ही नहीं था. और आपको तो पता है वो राजा है तो उनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों भी होते हैं. तभी सैनिकों राजा के कमरे के अंदर भी थे और बाहर भी थे, लेकिन सैनिकों ने कुछ किया ही नहीं. तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक मिस्टीरियस डेथ है. नंबर फिफ्थ, एडलॉफ हिटलर. आखिर हिटलर को कौन नहीं जानता. ये दुनिया के एक सबसे बड़ा और खतरनाक लीडर थे. हिटलर के तानाशाही के किस्से जितने रहस्य, उससे भी ज़्यादा रहस्य उसकी मौत थी. एक रिपोर्ट की माने तो हिटलर ने खुद को गोली मार दी थी. और उसके जीवन के हम पत्ते खोले तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आया आखिर हिटलर ने खुद को गोली क्यों मारी, जिससे तानाशाही की पूरी दुनिया डरती थी और उसने अकेले ने पूरी जर्मनी को झुका दिया था. तो ऐसे हिटलर को किसका डर था जिसने खुद को अपने आप को गोली मार दी. तो ये भी आज तक एक रहस्यमयी मौत है. बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है. सही जिसे को ना, बहुत गुड हो गया जी. ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए.